नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं अंकिता सिंह। फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी की शिकायत पर कार्यवाही शुरू है। बीकापुर कोतवाली अंतर्गत ग्राम सभा कटारी निवासी युवा प्रधान प्रत्याशी व समाज सेवी सुशील कुमार पांडे के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी की शिकायत मुकदमा अपराध संख्या 829/20 धारा 67A की विवेचना का हवाला देते हुए बीकापुर कोतवाली पुलिस दिखी उदासीन। एक महापूर्व की है शिकायत। फेसबुक पर रूही सिंह के नाम से फेसबुक आईडी बनाकर अभद्र टिप्पणी द्वारा युवा प्रधान को किया जा रहा है बदनाम। पीड़ित काट रहा है एक महीने से कोतवाली का चक्कर। अयोध्या ब्यूरो शुभम पाठक की रिपोर्ट। जी कुछ खास नहीं है, लेकिन प्रभारी महोदय बीकापुर जी जो हैं, काफ़ी समय से जितनी बार मैं उनसे पूछता हूँ कि हाँ जी सर क्या हुआ, मेरे मुकदमे पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, तो हर बार यही कहते हैं कि विवेचना हो रही है, विवेचना हो रही है, क्यों परेशान हो, विवेचना में टाइम लगता है। और आज एक महीने का दिन हो गया है, मैं काफ़ी परेशान हूँ इस बात को लेकर। मेरे मान सम्मान को चोट पहुँचाई गई है, ठेस पहुँचाई गई है, और मैं इस बात को लेकर बहुत दुखी हूँ कि स्थानीय प्रशासन जो है अपराधी को पकड़ने में अभी तक असमर्थ रहा है कुल मिला के। और यही निवेदन है प्रभारी महोदय जी से, थाना कोतवाली बीकापुर, यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस मुकदमे पर विवेचना करके और जो भी अपराधी है उसको पकड़कर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, मुझे न्याय दिलाया जाए, कम से कम मुझे भी तो पता चले कि आखिर इस प्रकार से सामाजिक रूप से मुझे और मानसिक रूप से कौन प्रताड़ित करना चाह रहा है। क्या मेरे चुनाव लड़ने से कोई किसी को समस्या है? बताना चाहता हूँ, मैं समाज सेवी व्यक्ति हूँ, अपनी ग्राम पंचायत कटारी का मैं समाज सेवी व्यक्ति हूँ और प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, जिसकी वजह से कुछ लोगों को समस्या है तो होंगी, लेकिन इस प्रकार से किसी के मान सम्मान को चोट पहुँचाना बहुत ही गलत बात है। कोई भी है, अगर आप ही के मान सम्मान को अगर मैं चोट पहुँचाऊँगा इस प्रकार से सामाजिक रूप से फेसबुक के माध्यम से, तो बहुत बुरा लगेगा शायद। तो निवेदन